वेलकम टू एमिनेंट गाइड। इस लेक्चर में हम ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात कि मैं एक बात बता दूं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, तो 2016 में भी जेई एडवांस के पेपर में एक क्वेश्चन इन तीनों फैक्ट के बेसिस पे पूछा गया था। तो मैं सीधी सीधे रिकमेंड करूंगा कि आप तीनों फैक्ट को कहीं पर नोट कर ले और याद करें। वैसे मैं प्रत्येक का अच्छा एग्जाम्पल लेके बताऊंगा ताकि आप चीजों को समझ भी बेहतर समझ जाए। मैं तीनों को जल्दी जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ। पहले ग्राफ ऑफ आर एंड आर स्क्वायर स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप फॉर एन एस ऑर्बिटल। एन एस ऑर्बिटल का क्या मतलब है कि कोई भी ऑर्बिटल जैसे कि 1s या फिर 2s या 3s, इस तरह का कोई भी ऑर्बिटल हो तो उसका ग्राफ डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस या डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। ओके, कोई भी ऑर्बिटल जिसका कि फॉर्मेट ये फॉर्मेट हो, एन एस फॉर्मेट हो, उसका डिस्टेंस के साथ, उसके वेव फंक्शन का डिस्टेंस के साथ जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर से शुरू होगा, टॉप से शुरू होगा। ओके, ये एक बात थी। आप समझ रहे होंगे कि अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये टॉप से क्या शुरू होगा या बॉटम से क्या शुरू होगा, तो मैं अभी केवल इसको पढ़ के बता रहा हूँ और चीजों को क्लियर करने की कोशिश, जो भी वेरिएबल्स मैंने यूज किया उसको मैं क्लियर करने की कोशिश में लगा हूँ। अभी हम थोड़ी देर में ही ये बात जान जाएंगे, ये टॉप क्या है, बॉटम क्या है, ओरिजिन क्या है, ये सब अभी तुरंत जान जाएंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा धैर्य रखें। दूसरी बात है कि ग्राफ ऑफ आर एंड आर स्क्वायर स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन फॉर पी, कोई भी हो, एस को छोड़ के कोई भी ऑर्बिटल हो तो उसके लिए जो ग्राफ शुरू होगा आर और आर स्क्वायर के लिए। केवल हम शुरू पे हम फोकस कर रहे हैं, आप एक बार ध्यान दे रहे होंगे कि हम केवल स्टार्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, एंड पे फोकस नहीं कर रहे। हमें स्टार्ट्स के पे पता होना चाहिए, एंड अपने आप हो जाएगा। अभी देखेंगे उसमें पता चल जाएगा कि एंड कैसे हो रहा है। तीसरी बात है कि ग्राफ ऑफ दिस, तो आप सोचेंगे कि अब ये नया चीज क्या आ गया। अभी मैं केवल इसका नाम बता दूं आपको कि इसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी? तो रेडियल प्रोबेबिलिटी, ये जो होता है ये होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी। अभी स्टार्ट विथ ऑरिजिन फॉर ऑल ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल के लिए ये ऑरिजिन से शुरू होता है। मैं एक वेव फंक्शन लेने जा रहा हूँ क्योंकि बिना फंक्शन के हम ग्राफ कैसे शो कर सकते। जब मैंने नोड कैलकुलेशन पर और प्रोबेबिलिटी पे कुछ क्वेश्चंस करवाए थे तो मैंने इस तरह का फंक्शन यूज में लिया था, अगर आपको याद हो तो। और यहाँ पर मैं कोई पॉलीनोमियल होगा, पॉलीनोमियल जिसका कि डिग्री n माइनस एल माइनस वन, जो कि बेसिकली रेडियल, जो कि बेसिकली क्या है, रेडियल नोड है। आपको समझ में आ रहा होगा जिसका डिग्री रेडियल नोड के बराबर हो। तो हमने रेडियल नोड को क्यों लिया, ये आपने यहाँ पॉलीनोमियल डिग्री रेडियल नोड क्यों लिया, तो ये सब मैं अभी एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो साई वर्सेस जो आर है, इसको मैं कैपिटल आर भी कर सकता हूँ, स्मॉल आर भी मैंने ऊपर में लिखते वक्त क्योंकि कैपिटल आर यूज कर लिया था, लेकिन अब मैं स्मॉल आर यूज करके चलूंगा। इसका और इसका जो ग्राफ बनता है वो किस तरीके से बनेगा तो वो अपन अभी देख रहे हैं। सबसे पहली बात कि हमें नोड निकालना पड़ता है, जो भी वेव फंक्शन दिया हुआ था उसका नोड निकालना पड़ता है। तो मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि मैं ये ग्राफ 3s के लिए बना रहा हूँ, अब मुझे क्या करना है कि 3s से रिलेटेड हमें रेडियल नोड निकालना है। तो 3s से रिलेटेड रेडियल नोड जो हो जाता है वो हो जाता है n माइनस एल माइनस वन, डेट इज n माइनस सॉरी 3 माइनस जीरो माइनस वन इम्प्लाइज 2। इसका मतलब है कि हमारे पास 2 रेडियल नोड आ गया है। तो हमने दो चीज निकाल के रखा है, रेडियल नोड और इसका रिलेशन करना है। तो हमने एक ग्राफ पहले ही से कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करके रखा है। अब हमें एक चीज जो प्री एज्यूम करना है और हमने ऊपर जो बताया था, मैं एक बार और आपको शो कर दूं। ग्राफ ऑफ आर एंड आर स्क्वायर स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप फॉर एन एस, जो भी एस ऑर्बिटल है उसके लिए जो ग्राफ शुरू होता है वो टॉप से शुरू होता है। अब आप इसका मतलब समझ पाएंगे कि ये टॉप से शुरू हो गया, ये टॉप से शुरू हो गया, मैं कलर चेंज कर दूं, ये टॉप से शुरू हो गया। ओके, अब क्या है कि जितना रेडियल नोड है, जितना रेडियल नोड होगा ये इस एक्सिस को उतना बार कट करेगा। ओके, इसके पास क्योंकि दो रेडियल नोड था तो इसने इस एक्सिस को दो बार दो डिफरेंट जगह पे कट किया है। अब समझ में रहे होंगे कि रेडियल नोड निकालने का क्या मतलब है अगर आपको ये फंक्शन दिया गया है तो। ओके, ये फंक्शन, इस तरीके का फंक्शन दिया जाता है, हमें 3s का पूछा जाता है। अब मैं इसी फंक्शन के लिए 5p का बना के दिखाऊंगा आपको, साई आर। ओके, अब हमें फिर से, क्योंकि हमें रेडियल नोड निकालना है तो हम रेडियल नोड तो निकाल ही ले जाएंगे,
तो मैंने 5 पी लिया है, रेडियल लोन निकालने के लिए मैं डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर रहा हूँ, एन माइनस एल का वैल्यू 1 इस केस में, आप समझ लेंगे क्यों, और ये 3, तो 3 नोड्स आ गए रेडियल नोड्स, तो इसका मतलब है ओब्वियसली ये 3 बार कट करेगा। अब बात है कि क्योंकि 5 पी है तो मैंने बताया था कि पी के लिए जो आर का आर से रिलेटेड जो ग्राफ हम खींचते हैं वो ओरिजिन से शुरू होता है, पी से रिलेटेड जो आर का अपन ग्राफ खींचते हैं वो ओरिजिन से शुरू होता है, ये आपको अगर याद हो तो बेहतर है। ओके तो ये 3 बार कट करने वाला है, ये 3 टाइम्स कट करेगा इसको, तो 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। ओके आप सोच रहे होंगे यार आपने तो केवल आर आर का बताया जा रहे हो, आप जो भी ग्राफ देखा था वो साई और आर के बीच देखा था, अगर हमारे पास कोई साई स्क्वायर टाइप का कुछ चीज आ जाता है तो हम किस तरह का ग्राफ बनाएंगे, या फिर आर स्क्वायर टाइप का कुछ चीज आ जाती है तो हम ग्राफ किस तरह का बनाते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम साई स्क्वायर के किस में क्या करेंगे, तो बेसिक रूप से अगर हम ये बात सोचें कि ये एक्स वाई रहा हो और ये एक्स रहा हो तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इस दोनों पे लगना चाहिए था वही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी वर्क करेगा। मैं जल्दी से एक और ग्राफ बना के आपको दिखा दूँ जो कि 7D का ग्राफ होगा, 7D थोड़ा ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, 6D का ग्राफ मैं बना के बताता हूँ। साई स्क्वायर ले रहा हूँ, इधर आर ले रहा हूँ, तो आप सोच लेंगे कि क्या यार इधर अगर मैं आर स्क्वायर ले लूँ तो क्या चेंजें आएंगी, तो यार अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप समझ पा रहेंगे कि अगर ये एक्स है और ये वाई है, सर ये वाई है और ये एक्स है, तो अगर मैं वाई स्क्वायर कर देता हूँ और एक्स को एक्स छोड़ देता हूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी आती है, अगर मैं एक्स को ऐसे ही रखता हूँ सॉरी वाई को और इसको स्क्वायर कर देता हूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी आती है, तो ये चीज़ आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन आते होंगे। अभी मैं केवल साई स्क्वायर का मैं केवल करके दिखाऊंगा, साई स्क्वायर के केस में क्या हो जाएगा, 6D इस केस में क्या हो जाएगा कि जो भी निगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर किसी भी चीज़ का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता, तो 6D, तो पहले हम Rn निकाल लेंगे, तो Rn जो आ जाएगा अपना 6 माइनस डी के केस में 2 माइनस 1 और डेट इज 3, मतलब 3Rn आ गया, इसका मतलब है रेडियल नोड 3 है, तो मैं अब ग्राफ खींचने जा रहा हूँ। तो जो ग्राफ शुरू होगा पहले तो यहाँ से शुरू होगा नो डाउट, और फिर यहाँ ऐसे 3 टाइम्स कट करने चाहिए, तो 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, तीसरे के बाद ऐसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो थी साई स्क्वायर का, अगर मैं आर स्क्वायर कर दूं तो आप सोचेंगे आर स्क्वायर का मतलब कि जो भी मैं आर का वैल्यू देता हूँ वो अपने आप पॉजिटिव होकर निकल जाता है, अगर आर स्क्वायर में ले लूँ तो जो भी मैं आर का वैल्यू दूंगा वो अपने आप पॉजिटिव होकर निकल जाएगा, मतलब आर कभी निगेटिव नहीं होगा, तो अपने ग्राफ में कभी आर निगेटिव हो ही नहीं रहा है, हम जो भी कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहे हैं, तो आर कभी भी निगेटिव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आर और आर स्क्वायर दोनों के साथ ही जो ग्राफ बनेगा वो सेम रहेगा। ओके अब मैम जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया था उसके बारे में बात करूं, रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर, जो डिस्टेंस है उसका रेडियल प्रोबेबिलिटी के साथ, तो बहुत इजी है, रेडियल प्रोबेबिलिटी के साथ जो भी बनेगा वो केवल हमें याद रख लेने हैं, और मैंने बताया था सॉरी ये तो कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, मैं इसको मिटा दूँ और कुछ सीधा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी जो कि क्या था 4π स्मॉल आर स्क्वायर एंड कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी है वर्सेस आर, हमें डिस्टेंस से रेडियल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ खींच के बताना है, तो उसके लिए मैं पहले तो एग्जांपल ले लेता हूँ 3s का, 3s तो इसके केस में जो Rn होगा वो कितना हो जाएगा ये अपन सोचे अगर, तो Rn 2 हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ग्राफ यहाँ पर मैं कट करेगा। अब क्या है क्योंकि ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आर स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, स्मॉल आर स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, पाई निगेटिव नहीं है और 4 तो पॉजिटिव है, मतलब ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो जो भी ग्राफ बनने वाला है ये तो हमें पता चल रहा है कि जो भी ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव में ही बनेगा। और मैंने बताया था जो लास्ट अगर पॉइंट आपको याद हो तो मैंने बताया था कि यार इस केस में क्या होता है कि पहला जो पर्क बनता है वो छोटा बनता है, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, इंक्रीजिंग पर एक नोट करके मैंने दिया था, अगर 2 है तो ये 2 ही कट करेंगे और ये तीसरा ऐसे पैरेलल चला जाएगा इन्फिनिटी पे। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेके बता दूं, अगर अब 5 फिर से हम आर एन निकाल ले जाते हैं, और आर एन अब तो आपको शायद दिमाग में भी आप कैलकुलेट कर पा रहे होंगे डायरेक्टली आर एन, तो ये 3 आ गया, 3 ऐसे आर एन आ गया, तो हम कुछ इस तरीके का बनाएंगे 1 2 एंड
इट्स थ्री, और चौथे वाले में हम सीरीज को ऐसे कर ले जाएंगे, मतलब वन टू एंड थ्री, थ्री पॉइंट्स पे ये टच कर रहा है इस एक्सिस को, मतलब थ्री पॉइंट्स पे जो वेव फंक्शन है अपना वो जीरो हो जा रहा है, इसका ये मतलब है कि थ्री पॉइंट्स पे ये टच कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि थ्री पॉइंट्स पे वेव फंक्शन जीरो हो रहा है, तो नोड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता था कि वो पॉइंट न्यूक्लियस के नज़दीक, वो पॉइंट जहाँ की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो, मतलब कि साई का जो प्रोबेबिलिटी हो वो जीरो हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता था, तो साई स्क्वायर इंटू स्मॉल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो कभी जीरो नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया था, तो साई स्क्वायर जीरो हो जाए, मतलब साई जीरो हो जाए, तो साई जहाँ जहाँ जीरो होगा वो नोड होगा, हमने नोड को ही साई जहाँ जहाँ जीरो हुआ है उसको डिनोट किया है। से आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा मैं मानता हूँ, ऐसा मेरा मानना है, शायद अगर आपको ना क्लियर हुआ तो आप दोबारा देखें, और अगर आपको कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमें पूछ सकते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, इस लेक्चर के लिए थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स।